Sir, one question. Sir, how do you deal with stress and anxiety? Since in today's generation, you know, many people have a lot of stress and anxiety, especially the teenagers and, you know, the people in their early 20s. So how do you deal with stress and anxiety? Because you must be having so many issues, sir. I'm sorry, can I ask you a question? Why have we started with this question? Like, we are on a health forum. हम लोग मतलब किसी like health forum में बात करने आए हैं यहाँ पे. पहले मुश्किल चीजें खत्म कर ले, फिर कुछ हंसी मजाक भी कर ले. ये trailer देखने के बाद आप stress के बारे में बात कर रहे हैं. Stress हो गया कि हमारी life इतनी अच्छी नहीं है ना? बहुत colourful है. Okay. बाकी बोल रहे हैं हमारी. बोल देता हूँ मैं यार, कुछ ऐसा नहीं है. हमेशा मैं फलसफे की बात करता हूँ. तुम यंग हो. And you're saying this, so I should tell you good things. I should not make light of this. Stress, anxiety, हर चीज़ होती रहेगी life के अंदर और वो कभी कम नहीं होगी. आप ये मत समझना कि स्कूल में है कॉलेज में कम होगी, कॉलेज में है नौकरी में कम होगी, नौकरी में है शादी में कम होगी, बच्चों में है पर बच्चों में नहीं होगी. ऐसा हर जिंदगी में हर कुछ जगह पे स्ट्रेस आएगा. लेकिन एक छोटी सी बात बताऊँगा जो मेरे दिल के करीब है, फिल्म का डायलॉग नहीं है. जेन्युइनली मैं आज 53 इयर्स का हो गया हूँ. तकरीबन आधी ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो चुकी है और ये मेरी लाइफ का फ़लसफ़ा है. उस जॉब में हूँ जहाँ पे हमेशा हर फ्राइडे ज़िंदगियाँ बदलती हैं, बनती हैं, टूटती हैं. मेरी खुद की फिल्में बहुत अच्छी बनी हैं, बहुत ख़राब बनी हैं, बहुत दुख हुआ है, बहुत हंसी आई है, बहुत चोटें लगी हैं, कुछ चीज़ें सही हुई हैं, बहुत सारी गलत हुई हैं. आज भी शायद 70 फिल्मों से शायद 30 ही फिल्में मेरी चली होंगी. ऐसा नहीं है कि बहुत सक्सेस रेट है और हर बात पर दुख होता है, हर बात पर खुशी होती है. बट वो फिल्म की लाइन है, अंत में सब ठीक हो जाता है. So you have to really, really believe, and I really believe in this. और ये genuine बात है, दिल में रखना ये कि अंत में सब ठीक हो जाता है. क्योंकि अगर ठीक ना हो तो वो अभी अंत नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है. और ये सच्ची बात बता रहा हूँ. शाहरुख जी, उधर. हाँ जी शाहरुख जी, आपका भी कोई लाइफ वाला सवाल है? नहीं नहीं पदी, आज तो स्ट्रेस फ्री हो ना, क्योंकि शाहरुख खान का बर्थडे है. सबसे पहला सारे विश कर देने, हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान. शाहरुख जी, सब तो पहला यह जानना चाहूंगा, पीटीसी पंजाबी पंजाब तो आया स्पेशली, ते आज सवेर तो लेके हजे तक अपने जन्मदिन च की कीता तुसी उठन तो बाद? यार मैं अभी ना मैं किसी को बोल रहा था कि मेरे को ना ऐसा लगता है जिंदगी के अंदर कुछ भी चीज ओन नहीं करनी चाहिए, मतलब अपनी नहीं होनी चाहिए. और मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ कि मेरा जन्मदिन भी अब मैं ओन नहीं करता हूँ. तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं ना घर वालों से मिलता हूँ, नहा लेता हूँ क्योंकि अच्छा होता है जन्मदिन के लिए नहाना. इट्स अ गुड थिंग यू ऑलवेज रिमेंबर ऑन योर बर्थडे टेक अ बाथ, अदरवाइज तो जुमा जुमा ही होता है मेरा. सो आई टेक अ बाथ ऑन माई बर्थडे एंड मैं जाके सिर्फ लोगों से मिलता हूँ. आप लोगों से मिलने का मौका आज फिल्म की वजह से मिला, अदरवाइज भी मिलता मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता हूँ मैं यार स्पेशल. सिर्फ मैं लोगों को मिलता रहता हूँ और बहुत खुशी होती है बिकॉज इतने सालों बाद भी इतने सारे लोग मुझे अभी भी प्यार कर रहे हैं मेरी हरकतों के बावजूद भी. सो इट्स नाइस. हैप्पी बर्थडे शाहरुख. थैंक यू साक्षी. My question to you all is, when was the last time you felt like zero and why? Depending on what you see as zero. As in, like you all are very successful. So when was the last time when you felt like a loser? Because like most of us feel that, oh, you people don't have any problems in your life, but I'm sure it's not the case. So when was the last time you felt like a loser or like zero as we call it? मैं हर बात पे लूज़र फील करता हूँ यार. मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा. मेरे को मैं अपने एक परसों दोस्त के साथ था जो बहुत फेमस और आई थिंक हमारे देश के सबसे बड़े एक्टर हैं, आमिर के साथ. और उसने मुझसे यही सवाल पूछा कि तू ऐसा क्यों है शाह, ऐसा क्यों करता रहता है तू, सोच क्यों रहा है ऐसा तू. और फिर मुझे मालूम पड़ा बात करते करते कि वो भी ऐसा ही सोच रहा था. तो वो मुझसे इसलिए नहीं पूछ रहा था सरप्राइज से, वो इसलिए पूछ रहा था कि आंसर चाहिए था कि मैं क्या करूं. तो क्योंकि मैं उसके बारे में बात कर सकता हूं, दोस्त है, ये दोनों दोस्त हैं. आई थिंक आनंद सर दोस्त से भी ज़्यादा हैं, भाई हैं. आई थिंक सबको यार कभी ना कभी हर जगह पर कोई ना कोई मोमेंट ऐसा आता ही रहता है दिन में जहाँ पर आप ज़ीरो फील करते हो. जैसे छोटी सी बात बताऊँगा, जैसे अगर अपने बच्चे के साथ बैठे हुए हो. अभी मैं अब्राम के साथ बैठा हुआ था एक दिन, तो मैंने उसको कहा मेरे पास बैठ, फिर वो बैठा नहीं, मेरे पास चला गया. तो मेरे दिल में ऐसे ऐसे ख्याल आए कि मैं अच्छा बाप नहीं हूँ, मैंने इसको मोहब्बत नहीं दी. कैसा तो नहीं मैं फिल्मों में ज़्यादा टाइम लगाता हूँ, अपने बच्चों के साथ मैं टाइम नहीं लगा रहा. और एक दिन मेरे को ये खड़ा होगा एक लड़की के साथ और कहेगा कि काट के कालीन में हीरों के पैबंद नहीं लगाए जाते, मैं छोड़ के जा रहा हूँ तुमको. जमींदार साहब, तो मुझको बहुत लूजर फील किया मैं उसको यार.
फिर मेरी बीवी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बाकी दो बच्चे भी यही समझते हैं, फिक्र मत करो. सो मैं यार बहुत बहुत हर चीज़ में ऐसा फील करता हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू हैव लैक ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस. आई रियली बिलीव दैट. आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंस इज अ वर्स थिंग देन फीलिंग लाइक अ लूजर. आई थिंक एक्सट्रीम्स तो वैसे नहीं होते, तो लूजर से थोड़ा बेटर फील करते रहो तो मेहनत ज़्यादा होती है. आई जस्ट फील आई वर्क हार्डर व्हेन आई थिंक आई एम नॉट गुड इनफ. आई ऑलवेज फील आई एम नॉट गुड इनफ. मुझे कभी ऐसा नहीं लगता, उल्टा मैं बहुत चीज़ें मजाक में कह देता हूँ. मुझे नाचना नहीं आता, मेरे 5 एक्सप्रेशन हैं. मैं जेन्युइनली ये बातें मानता हूँ कि मैं हर चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, तो मुझे मेहनत और करनी पड़ेगी. सो देयर इज अ क्लोजनेस एंड प्रॉक्सिमिटी टू जीरो. शाहरुख जी आपके राइट में, शाहरुख जी किधर किधर आपके राइट में. शाहरुख जी, शाहरुख जी जब से फिल्म जीरो का टीजर आया है तब से हमारे सोशल मीडिया पर जो भी इंडियन क्रिकेटर जो है जीरो पर आउट होता है उसकी ट्रोलिंग की जाती है कि क्यों भाई आप जीरो को प्रमोट कर रहे हैं क्या. आपसे ऐसे जानना चाहूँगा कि वो ऐसे कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिसे आप चाहेंगे कि ये जीरो पर आउट हो और थोड़ा सा और प्रमोशन हो हमारी फिल्म जीरो का. सर दिस इज फिजिक्स एंड मैथ्स मिक्स टुगेदर. मैं जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, अगर मैंने इंडियन क्रिकेटर की छोटी सी भी कोई बात ऐसी बोली जो गलत है, यहीं से तमाचा आएगा करके ऐसा. मालूम है कहाँ बैठा हूँ मैं, तो शर्म नहीं आ रही है सवाल करते. जानता कौन है ये? इसीलिए तो पूछा. ये मिसेस क्रिकेटर हैं और इनके सामने हम इंडियन क्रिकेट की कोई भी टीम की बात को छोटा कह सकते हैं? शर्म आनी चाहिए तुझको. We move to our next question. Yes, ma'am. Okay, wait. We'll come to the lady and then we'll come to you, sir. No, just stand up one second. Sir, how does this jacket fit aapko? Yeah. Sir. That's it. Shahrukh on your right. Viral picture. Shahrukh. On your right, Shahrukh. Udhar. Right. On your right. Ma'am, wait. We are going there. So on your left, there. Third row. Shahrukh, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. धन्यवाद. Thank you so much. How are you? Good. Thank you so much. You are looking as handsome as ever. शाहरुख, सुना है कि ये फिल्म का जो रोल है आपका ड्वार्फ का, इट्स अ वेरी टफेस्ट रोल टिल डेट. तो आपको भी क्या ऐसा लगता है? व्हाट वेर द रियली फिजिकल चैलेंजेस टू प्ले दिस? नो, ऑनेस्टली मैं आपको बोलूंगा, मेरे लिए ये इजियर था.